मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, मुद्दे से ध्यान मत हटने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, मुद्दे से ध्यान मत हटने दीजिए। जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैं उससे कहना चाहता हूं, मुद्दे से ध्यान बिल्कुल मत हटने दीजिए। और अरविंद केजरीवाल जी अगर मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो तुरंत आकर अपनी डिग्री देश के सामने दिखा दीजिए, सारा बवाल खत्म हो जाएगा, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। क्या देश का प्रधानमंत्री नकली और फर्जी डिग्री लेकर देश की सत्ता पर राज कर सकता है? क्या देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जानने का हक देश के करोड़ों लोगों को नहीं है? 140 करोड़ लोगों ने चुनकर उनको अपना प्रधानमंत्री बनाया है, क्या उनको नहीं मालूम होना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री ने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? और आज बिल्कुल ठीक कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आदमी अपनी परिस्थितियों के कारण अनपढ़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर युद्ध के समय में, संकट के समय में सेना को यह सलाह देने लगे कि बादल है, हवाई जहाज रडार में नहीं आएगा, हमला कर दो, तो यह तो बहुत ही खतरनाक बात है, यह तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों को यह सलाह देने लगे कि नाली के गैस से चाय बना लो, तो उसके इस मूर्खतापूर्ण बयान के कारण कितने लोग हंसी के पात्र बन जाएंगे? अगर देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी जैसे खतरनाक फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने लगे, अगर देश के प्रधानमंत्री जीएसटी के कानून को लाकर देश के व्यापार को बर्बाद करने लगे, अगर देश के प्रधानमंत्री तीनों काला कानून किसानों के लिए लाकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने पर आमादा हो जाए, तो ऐसे में उनकी डिग्री जानना जरूरी है। अगर देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कनाडा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर फिर सी स्क्वायर फिर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, तो जब इस प्रकार के बयान देश के प्रधानमंत्री के आएंगे तो लोगों के मन में चिंता होती है, देश के करोड़ों लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री गैर पढ़े लिखे और अनपढ़ होंगे तो क्या उनके हाथों में देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, क्या उनके हाथों में देश का कृषि क्षेत्र और किसान सुरक्षित है, क्या उनके हाथों में भारत की सेना सुरक्षित है, क्या उनके हाथों में देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है, क्या इस देश के लोगों को व्यापार करने में राहत मिलेगी और महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारे सवाल देश के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहे हैं। और सुधांशु जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है केजरीवाल जी मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते, तो केजरीवाल जी के इस प्रयास को आप सफल मत होने दीजिए, तुरंत अपनी डिग्री दिखाइए सामने। भाई आप अरविंद केजरीवाल जी की डिग्री मांगिए कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी डिग्री दिखाइए, मांगे प्रधानमंत्री जी, आप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की डिग्री मांगिए कि अपनी डिग्री दिखाओ, क्या है तुम्हारी डिग्री, हम शौक से डिग्री दिखाएंगे। कभी आपने दुनिया में सुना है कि डिग्री मांगने पर जुर्माना हो जाए? एक क्लर्क की नौकरी कोई करने जाता है, एक चपरासी की भी नौकरी कोई करने जाता है, उससे उसकी डिग्री मांगी जाती है, कहा जाता है डिग्री बताओ कितनी पढ़ाई की है तुमने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।